अगर आप चाहते हैं मॉल में सेल्समैन का जॉब करना या सुपरवाइजर का जॉब करना तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूरे पटना में बहुत सारे मॉल्स ओपन हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे मॉल में सेल्समैन का और सुपरवाइजर का पोस्ट अभी वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं मॉल में सेल्समैन का जॉब करना या सुपरवाइजर का जॉब करना या हेल्पर का जॉब करना तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वैकेंसी भरा वीडियो आए वो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अभी हमारे पास जो वैकेंसी है वो पटना में V2, भीमठ और नागरमल, ये तीन मॉल से हमारे पास वैकेंसी आया है, जिसमें कम से कम तो 100 से 200 लोगों को सेल्समैन का पोस्ट अभी हमारे पास खाली है। लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो पूरे पटना में कहीं भी अगर आपको लोकेशन चाहिए तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। V2, भीमठ और नागरमल, ये तीन मॉल में अभी हमारे पास वैकेंसी आ चुका है। जिस भी मॉल में आप ज्वाइन करना चाहें उस मॉल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो आपको अगर सेल्समैन में आप जॉब करना चाहते हैं तो सेल्समैन में आपको 10,000 से 12,000 रुपए का पेमेंट आपको मिलता है। सुपरवाइजर में अगर आप काम करते हैं तो 12,000 से 15,000 रुपए का पेमेंट आपको मिलता है। सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि जो भी सेल्समैन है वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कौन टाइम पास कर रहे हैं या कौन काम कर रही है, सब कुछ देखना होता है, उसी को हम लोग सुपरवाइजर कहते हैं। और सेल्समैन का काम क्या होता है कि जो भी लोग मॉल में जाते हैं, जो भी कपड़ा वगैरह देखते हैं वो सब कपड़ा वगैरह को सजाना होता है, या फिर जो भी लोग ड्रेस डिमांड करते हैं उस तरह का आपको ड्रेस दिखाना पड़ता है। यही होता है सेल्समैन का काम। और सुपरवाइजर का काम होता है वो आपको फोकस करेंगे किस तरह से आप काम कर रहे हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपको 18 से लेकर 30 साल तक लोगों के लिए है। 30 साल से प्लस है तो आपको मॉल में ज्वाइनिंग नहीं होगा, चाहे सुपरवाइजर में या सेल्समैन में। सुपरवाइजर और सेल्समैन दोनों का एज लिमिट है 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप 10th भी पास हैं तो आपको सेल्समैन में और सुपरवाइजर में दोनों में आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आपको कॉल करना है और जो भी आपको जानकारी अधूरी लगी उसको आपको पूरा करना है, कॉल करके जानकारी ले लेना है। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उस नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट में आपको एक रिज्यूम आपका लगेगा, दूसरा आपका मार्कशीट लगेगा जो भी आप 10th 12th पास है, तीसरा आपका पासबुक लगेगा, चौथा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ये चार डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, आप अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मॉल में सेल्समैन या सुपरवाइजर का जॉब करना तो बस इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेने के बाद आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।